नमस्कार, एसपीएन 9 न्यूज में आपका स्वागत है। देश भर में भारतीय जनता पार्टी जहां चुनाव जीतती हुई नजर आई, तो वहीं हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी 2019 के मुकाबले पिछड़ती हुई दिखाई दी। 2019 में जहां भारतीय जनता पार्टी 10 लोकसभा सीटों पर जीत हासिल करती हुई नजर आई थी, तो वहीं 10 लोकसभा सीटों में 2024 में 5 सीटों पर सिमट कर भारतीय जनता पार्टी रह गई। लेकिन राव इंद्रजीत की बात करें तो उन्होंने राज बब्बर को हराकर गुरुग्राम सीट पर जीत हासिल कर ली। लेकिन जीत हासिल करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी यानी कि अपनी ही पार्टी पर हमलावर साबित होते हुए नजर आए। राव इंद्रजीत ने यहां पर साफ तौर पर ये बातें कही हैं कि लोकसभा चुनाव में कई ऐसे भारतीय जनता पार्टी के अंदर भीतर घाती लोग बैठे हुए थे जो पार्टी को नुकसान पहुंचाते हुए नजर आ रहे थे। आपको बता दें कि राव इंद्रजीत ने साफ तौर पर कहा है कि लोकसभा चुनाव में जो खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को भुगतना पड़ा है, वो आने वाली विधानसभा में ना भुगतना पड़े। इसी को लेकर मुख्यमंत्री कौन होगा या मुख्यमंत्री को लेकर क्या कुछ करना चाहिए, राव इंद्रजीत तमाम तरीके से सफाइयां पेश करते हुए नजर आए, या कहें कि सवाल खड़े करते हुए अपनी ही पार्टी पर दिखाई दिए। क्या कुछ राव इंद्रजीत कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। मैं यूं कह रहा हूं कि अब हरियाणा के इलेक्शन के लिए हमने तैयारी करनी पड़ेगी। भाई जो हमारे से रूस गया, तुमको पता चल जाएगा एक दिन में, दो दिन में, गाँव में तो तुमको पता ही चल रहा है। ये हमारे को दक्षिणी हरियाणा के मारपति सत्तासीन होना है, नहीं तो नहीं होगी। और हमको समझ में आकर के रखना, अपनी ताकत कायम रखनी है। इस चीज के लिए आज के दिन आपके बीच के अंदर आकर के ये संदेश देना चाहता हूँ कि हरियाणा के इलेक्शन हो सकता है समय से पहले भी हो जाए, और आरती को मैं लड़ाऊंगा। ये खुद भी कह चुकी है, मैं भी कह चुका हूँ, मेरे से पूछे बिना कहती पहले तो। अब मैं कह रहा हूँ इसको हम लड़ाएंगे, इसको बिना लड़ाई करे नहीं। हमारे को इस चीज का ये है, थोड़ा सा मलाल समझ लो कि हमने दो बार हरियाणा के अंदर सरकारें बनाई, और हरियाणा की सरकार बने पीछे गुड़गांव के अंदर जो मेरे को नुकसान उठाया कि आज बिजली नहीं आ रही, आज कूड़ा नहीं उठाया गया, आज ये भी हुआ, आज मतलब सूरज बंद है। भाई ये सरकार हमारी 10 साल चल करके ये हमारे गुड़गांव में ही होना था, सूरज नहीं उठा, गुड़गांव में ही होना था, क्योंकि बिजली सरप्लस है। अगर बिजली सरप्लस है तो ये 10-10 घंटे क्यों कटा हुई इलेक्शन के दौरान क्यों हुआ, और गुड़गांव में क्यों, मुझे और का पता नहीं, गुड़गांव में क्यों, रेवाड़ी में क्यों, गुड़गांव में लोकसभा में क्यों, ये सवाल पूछे जाएंगे। और अब मैं आज आपसे ये कहना चाहता हूँ, मोटे मोटे तौर के ऊपर, कि भाई पार्टी के डिसिप्लिन में मैं रहा, पार्टी के डिसिप्लिन में आरती रही। हमने चाह के नरेंद्र भाई मोदी को प्रधानमंत्री बना दिया जाए, तुमने बनाया, हमने बनाया, अभी भी आज के दिन देश की जनता ने बनाया, नरेंद्र भाई मोदी बन गया। हरियाणा का चीफ मिनिस्टर कौन बन गया, ये सवाल अब हमारे सामने आएगा तो सोचेंगे, विचारेंगे, बात करेंगे, पार्टी से भी करेंगे, पार्टी की टिकट लड़ने की कोशिश करेंगे। मैं बावल से 23,000 वोट से जीत करके ये लड़ाई नहीं लड़ सकता। मैं रेवाड़ी से 38,000 वोट से जीत करके लड़ाई नहीं लड़ सकता। ये पटौदी से 40,000 जीत करके मैं नहीं लड़ सकता। ये चारों हल्के से 10-10, 15-15 हजार लड़ करके, जबकि नांगल चौधरी से लेकर के महेंद्रगढ़ तक अगर हमारी जीत हुई है हल्के में, कितने की हुई है, थोड़े बहुत 15-20 हजार। यहाँ तो अब सिर्फ दो ही कैंडिडेट थे हमने सामने, कांग्रेस था और इंडिया था, ना ये जिन इंडिया था, आने वाले समय तो चार जगह बैठेगी, चार जगह तो हमारा सारा इकट्ठा रहा तो बात बढ़ जाएगी, नहीं तो फिर ये सोचने की बात है, ये बाद में बात करूंगा। आज तो मैं आपका दिल से आप लोगों का मैं शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि ना केवल बुजुर्ग
बल्कि नौजवान लोगों ने जो पसीना बहाया है मेरे लिए बहाया है, मेरे साथ आरती ने जो बहाया है मेरे लिए बहाया है आपका। मैं अब देखना होगा कि जहां भारतीय जनता पार्टी के खाते में 43 विधानसभा सीट यानी कि 43 विधायक हैं, नयाब सिंह सैनी करनाल विधानसभा सीट से चुनाव जीत जाते हैं जिसके बाद एक और विधायक की संख्या बढ़ जाती है। अब ऐसे में देखना होगा कि क्या ये संख्या और आगे बढ़ती है या फिर घटती हुई नजर आती है, और अगर विधायकों की संख्या घटती है तो क्या हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होता हुआ नजर आएगा। क्या राव इंद्रजीत कोई बड़ा कदम सीएम पद को लेकर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ उतरते हुए नजर आ सकते हैं या फिर नहीं।